अपनी तरफ से कर पहले तो لا إله إلا الله मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि मतलब परेशानियाँ हैं, लेकिन मुझे दवाइयाँ नहीं लगती थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत दिखाया, बहुत लोगों को दिखाया, बाबा को दिखाया, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया, मुझे कहीं से भी आराम नहीं आया। लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ ले कर आए, यहाँ आते ही मुझे दवाइयाँ लगने लगी। मतलब मेरी जो बॉडी में जो परेशानी थी ना, वो मतलब ठीक होने लगी। फ़कीर के दरबार में सबकी सुनवाई होती है। लोग आते थे बड़ी उम्मीदों से, हिंदू मुसलमान और आप हजरात सारे लोग सबके लिए दुआ करते थे। यही वजह है कि एकता का आज भी दरगाह प्रतीक है। आप किसी दरगाह चले जाओ, आपको सरदार भी मिलेंगे, हिंदू भाई भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे। सब अपनी मिन्नतें लेकर आते हैं और इस मिन्नत को देखते हुए एक शांति, आपसी मतभेद ये सारे दूर हो जाते हैं। सूफीज़म की शुरुआत हिंदुस्तान में बहुत पहले से हुई और इसमें बहुत से सूफिया बाहर से तशरीफ़ लाए। उनमें ख़ास तौर से जहां हम कश्मीर की बात करते हैं तो शाह हमदान, जो हमदान ईरान से तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके यहां पे लोगों में भाईचारा, मोहब्बत, प्यार और इसको आम किया। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम सब का मालिक और खालिक एक है और हम सब उसी के बंदे हैं। या